नाज़रीन, इस वक्त रामबन के हवाले से एक अहम अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। रामबन में मुनदिम सुरंग के मलबे से दूसरी लाश बरामद। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि रेस्क्यू टीमों ने हफ्ता के रोज जिला रामबन के इलाके खूनी नाला के करीब मुनदिम होने वाली सुरंग के मलबे से दूसरे मजदूर की लाश निकाली, जबकि वहां फंसे 8 मजदूरों की तलाश जारी है। डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने एक ट्वीट में कहा, दूसरी लाश मलबे से निकाली जा रही है, शनाख्त का पता लगाया जाएगा, उसे जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया जाएगा। डीसी एसएसपी रामबन इमदादी टीमों के साथ मौके पर पहुंचे। हुकाम ने बताया कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर एक जेर तामीर सुरंग के गिरने के बाद मलबे के नीचे फंसे मजदूरों को निकालने का ऑपरेशन हफ्ते की सुबह दोबारा शुरू हुआ, जब एक ताजा मट्टी के तूते गिराया, जिससे गुज़िश्ता शाम रेस्क्यू अमल को मुअत्तल कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में खूनी नाला के करीब की आडिट सुरंग जुमेरात की रात T3 हाईवे पर वाके तकरीबन 10:15 बजे काम के आगाज के दौरान ही टनल का कुछ हिस्सा गिर गया था, जिसमें 13 मजदूर फंस कर रह गए थे। बाद अजा 3 मजदूरों को जिंदा बचा लिया गया था, जिनका इलाज मुख्तलिफ अस्पतालों में जारी है, जबकि एक लाश कल दोपहर ही निकाल ली गई थी।